नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा और आज आपके लिए लाई हूँ, देखा, एक राजा एक सूरज। मतलब कहानी। किसकी कहानी? राजा की कि सूरज की? राजा की, वो भी आलसी राजा की, ठीक है ना। तो एक राजा था, वो जब छोटा था बचपन में ही वो बहुत आलस करता था। उसको बाहर बहुत सारा खेलना अच्छा नहीं लगता था। उसको क्या अच्छा लगता था? रजाई में दुपक्के सोना। और क्या अच्छा लगता था? बढ़िया बढ़िया खाना। पर फिर भी जब छोटा था तो उसके मम्मी पापा उसको बाहर ले जाते थे, थोड़ा बहुत घुमा देते थे, खिलाते थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा राजकुमार, तो उसको शिकार पे भी जाना पड़ता था, पर उसको अच्छा नहीं लगता था। बाद में जब वो राजा बन गया तो अब तो वो राजा बन गया भाई। अब मैं क्यों किसी की बात मानूं? मैं नहीं जाऊंगा शिकार पे, मैं नहीं जाऊंगा घूमने। वो बस आराम से सोता था, खाता था और थोड़ी देर के लिए राजमहल में आके, राजपाट में अपनी, ये जो इसका गद्दी है ना, इसमें आकर बैठता था और थोड़ी बहुत बात करता था, सो जाता था। फिर कभी कभी तो वो अपने सिंहासन पे ही सो जाता था। ये जो इसका सिंहासन है, गद्दी, इसी पे सो जाता था। सब लोग कहते थे कितना आलसी राजा है, पर ऐसे ही चलता रहा उसका काम। धीरे धीरे वो हो गया बूढ़ा। अब उसके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, सारे लोग परेशान। फिर गांव में वहाँ पे राजा का एक बहुत बड़ा वैद्य था, उसको राज वैद्य कहते थे। वो सिर्फ राजा और राजा के परिवार का इलाज करता था। वैद्य माने डॉक्टर, ठीक है ना। तो जब वो बहुत परेशान हो गया, दर्द होने लगा, तो राज वैद्य को बुलाया गया। राज वैद्य ने कहा, भाई ये जब सारे दिन सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो इनको कैसे ताकत आएगी, ये तो और बीमार हो जाएंगे। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले इनको बाहर जाना चाहिए, सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए। अब समझे सूरज क्यों लेके बैठी थी मैं? तो इस सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, तब जाके इनका ये हाल ठीक होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वैद्य तो कह के अपने घर चला गया। राजा ने अपने सारे मंत्री बुलाए, इधर आओ, लेटे लेटे वहीं पलंग पे। सारे मंत्री आ गए, बोले जाओ ये जो सूरज है इसको महल में लेके आओ। राजा बुद्धू, उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो कभी बाहर गया ही नहीं था, कि सूरज को भी क्या महल में ला सकते हैं। कहा जाओ जाओ सूरज को लेके आओ। सारे मंत्रियों ने डर के मारे कि राजा कह रहा है, तो भाई सिपाहियों को बुलाया, सिपाहियों जाओ सूरज को लेके आओ। अब सिपाही इधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे, कहीं सूरज ही नहीं पकड़ में आ रहा। एक किसान आया, बोला भाई हम बता सकते हैं महाराज को कि सूरज कहाँ है। किसान को अंदर लाया, राजा अपने पलंग पे ही लेटा था, क्योंकि दर्द बहुत था ना उसको। किसान ने कहा, महाराज मुझे पता है सूरज कहाँ है। कहाँ है भाई सूरज, कहाँ है? सारों में फुसफुसाहट, कहाँ है सूरज, कहाँ है सूरज? उसने कहा, वहाँ जो पीछे गांव के पीछे पहाड़ी है, उसके पीछे से सूरज आता है, मैंने देखा है। राजन का जाओ सारे पहाड़ी पे चढ़ जाओ। घोड़ा लेके सारे सैनिक कहाँ चढ़ गए? पहाड़ी पे। रात में ही, क्योंकि उसने किसान ने बताया था सुबेरे सुबेरे सूरज निकलता है। अब भाई सारे सिपाही रात में बैठ गए, ठंड लग रही, शेर की आवाज आ रही, जंगल भी था वहाँ, कीड़े गुन 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 कर रहे, पर सिपाही बेचारे अपनी तलवारें लेके बैठे रहे कि सूरज के आते ही इसको पकड़ लेंगे। अब क्या हुआ भाई? क्या सूरज पहाड़ी के पीछे दिखता है तो पहाड़ी के पीछे कोई चिपका हुआ रहता है? नहीं ना, आपको तो पता है ना, सूरज तो स्काई में रहता, आकाश में। और जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो भी हम देखते हैं कि स्काई तो बहुत ऊपर है। जब सिपाहियों ने देखा सुबेरा हो रहा है, उठ के बैठ गए, देखने लगे कहाँ से सूरज आ रहा, कहाँ से। देखा क्या?
सूरज उतनी दूर कहीं और से निकल रहा है। सिपाही दौड़े घोड़े लेके, और सूरज तो तब तक आकाश में वापस आ गए। बोले भाई सूरज पहाड़ पे तो हम जरूर चढ़े, पर सूरज हमारे हाथ नहीं आया। राजा ने कहा क्यों, उसने तो कहा था पहाड़ी के पीछे से निकलता है। बोले हाँ निकलता तो पहाड़ी के पीछे से था, पर पहाड़ी के पीछे बहुत दूर से दिख रहा था, और जब तक हम पकड़ते तो हमने देखा स्काई में आ गया था ऊपर बीचों बीच। अब राजा फिर परेशान, तो एक पंडित आया, बोला महाराज जी मैं बता सकता हूँ आपको सूरज कहाँ से निकलता है। बोले कहाँ से निकलता भाई। बोले जो मेरा मंदिर है ना, बड़ा वाला ऊंचे पहाड़ पे बड़ा मंदिर, उसके भी पीछे से निकलता है। राजा ने सबको भेज दिया, जाओ भाई मंदिर के पीछे से पकड़ो। क्या हुआ, वही जो पहाड़ वाले किस्से में हुआ था। फिर सिपाही बैठे रहे रात भर, सुबह हुई देखा तो सूरज कहीं और दूर से निकल रहा है। फिर लौट आए सिपाही, कुछ हाथ नहीं आया, सूरज हाथ में ही नहीं आया। अब क्या करें क्या करें, तो एक बूढ़ी अम्मा आई, बोले मैंने देखा है सूरज को नदी में से निकल रहा था, वो जो बड़ी वाली नदी है ना उधर से निकल रहा था। राजा ने कहा जाओ सारे रात में नदी में अपनी नाव में बैठ जाओ, उस तरफ चले जाओ। सारे सिपाही रात में नाव में बैठ के उस तरफ चले गए। अब क्या हुआ, जब सूरज निकला तो कोई नदी से दिख रहा था, वो तो बूढ़ी अम्मा जब जगती थी तो उसको लगता था कि नदी में से दिख रहा, उसकी आँखें कमजोर थी ना। सूरज तो नदी के पीछे भी बहुत दूर से कहीं से निकल रहा था, और सूरज तो स्काई में था, उसको तो पकड़ ही नहीं सकते। वो भी आ गए, फिर तब तक में तो कितने दिन हो गए, 10 दिन सबको सूरज ढूंढते ढूंढते। और राजा का दर्द बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया। फिर से वैद्य को बुलाया, राजा बोले सुनो वैद्य, तुमने ये गलत इलाज बताया मुझे, मैं सूरज की रोशनी नहीं ले सकता। वैद्य ने कहा क्यों भाई क्यों नहीं ले सकते। बोले मेरे सारे सिपाही गए, कोई भी सूरज को पकड़ के नहीं ला पाया, ऐसी कैसी दवाई दी है तुमने कि हमारे पकड़ में ही नहीं आती है। वैद्य ने माथा पीटा, बोले अरे भाई आप ये क्या कर रहे हो, सूरज थोड़ी पकड़ में आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा, एक ने बताया पहाड़ के पीछे, वो वाला भी नहीं मिला, एक और सूरज था दूसरा नदी के पास वाला, वो भी नहीं पकड़ पाए, और एक सूरज तो मंदिर के पास रहता है पर हम वो भी नहीं पकड़ पाए। आप तो वैद्य को क्या 3-4 सूरज होते हैं। वैद्य ने कहा महाराज आप बिल्कुल सूरज की रोशनी को और सूरज को पकड़ने की कोशिश मत करिए। बोले फिर मेरा कैसे इलाज होगा। बोले मैं करता हूँ आपका इलाज, चलो भाई इनका तख्त उठाओ 2-4 लोग और लेके चलो मैं जहाँ बताता हूँ। अब 4 लोगों ने उनका तख्त उठाया और बाहर राजमहल के बगीचे में रख दिया। वहाँ देखा तो सूरज चमक रहा था और उनके हाथ पैरों में सूरज की रोशनी लगने लगी। सूरज की रोशनी लगी तो उनको थोड़ा आराम लगा, और बाहर देखा तो सुंदर सुंदर फूल लगे थे, हरे हरे पेड़ झूल रहे थे, हवा चल रही थी। राजा को इतना अच्छा लगा कि वो अपना दर्द भूल गया और उठ के बैठ के ऐसे ऐसे देखने लगा। सारे लोग बोले अरे राजा उठ गया, इतने दिन से लेटा राजा उठ गया। अब तो राजा को समझ में आया, वैद्य ने कहा देखो महाराज ये है सूरज, इसकी जब रोशनी में हम बैठते हैं तो हमारी हड्डियों में विटामिन डी बनता है, और जब विटामिन डी बनेगा तो हड्डी का दर्द ठीक हो जाएगा, इसीलिए आप रोज अपना तख्त सुबह सुबह यहाँ डलवा लिया करो और उसी पे सोया करो। राजा ने कहा ठीक है। 2-3 दिन सुबह सुबह उनका तख्त आता था, राजा उसमें थोड़ी देर सोते थे, फिर बैठते थे सूरज की रोशनी में ऐसे ऐसे देखते थे, सब कुछ हरा भरा, धीरे धीरे चलने लग गए बगीचे में। अब तो उनको बहुत मज़ा आने लगा, फिर तो उनका तख्त लाना नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही चल के आ जाते थे बाहर, क्योंकि बाहर इतना सुंदर जो लगता है पेड़ पौधे फूल है ना। तो राजा ने समझ लिया कि सूरज कितने हैं, एक,
और सूरज की रोशनी के फायदे कितने हैं? अनेक, है ना? तो समझ गए बच्चों कि हमको भी सूरज की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। रोज सूरज की रोशनी में बैठो और बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पाओ। और जब आप सोचोगे वो तो बुढ़ा था, उसको दर्द था, उसको बैठना चाहिए, बचपन से आदत डालनी चाहिए। अगर राजा बचपन में ही सीख लेता तो क्यों वो बुढ़ापे में कष्ट पाता, है ना? तो हमेशा अपनी आदतों को बचपन से सुधारना चाहिए। आप भी रोज खूब खेलो कूदो पर सूरज की रोशनी में, ठीक है ना? तो बच्चों भूलना नहीं अपर्णा के खिलौने। और आपको एक बात बता दूं, ये कहानी नानी की कहानी नहीं है, ये कहानी अपर्णा की है। अपर्णा ने आपके लिए स्पेशल लिखी है, ठीक है? तो बच्चों बाय बाय।